हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। कहीं आपके पास ओल्ड सिलेबस तो नहीं है? अगर ओल्ड सिलेबस है तो नए सिलेबस से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि सीबीएसई ने ये नोटिस करके साफ बता दिया है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो न्यू सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन बहुत ही कम रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन रहेगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने क्रोम ब्राउज़र पर आना होगा। तो चलिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे सबसे पहले आते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पर। अब इस पर आने के बाद आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है cbse.nic.in लिखकर। तो जैसे cbse.nic.in लिख के हम सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने भी खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक फॉर CBSE रिजल्ट्स और क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट। तो आपको क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पे अब आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब एग्जामिनेशंस का आप लोग को ऑप्शंस दिख रहा होगा, इस एग्जामिनेशंस पे आप लोग को क्लिक करना है। इसके बाद क्यूरिकुलम और सिलेबस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्यूरिकुलम और सिलेबस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। इसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को क्यूरिकुलम का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग को सिलेबस डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा सेकेंडरी क्यूरिकुलम 9th 10th और सीनियर सेकेंडरी क्यूरिकुलम 11th 12th। तो अगर आप 11th 12th पे हैं तो इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का सिलेबस आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग को लैंग्वेज पर क्लिक कर लेना है। इसमें बहुत सारा लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको हिंदी कोर का चाहिए सिलेबस तो इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको अरेबिक का चाहिए तो अरेबिक में भी कर सकते हैं, बंगाली का चाहिए तो बंगाली का भी कर सकते हैं। इसके बाद जब मेन सब्जेक्ट का अगर हम लोग को सिलेबस डाउनलोड करना होगा तो आप लोग को एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप ए पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारे मेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस आता है। जैसे यहाँ पे कॉमर्स में अकाउंटेंसी का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बायोलॉजी का कर सकते हैं, साइंस में केमिस्ट्री का कर सकते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th के लिए यहाँ पे आप लोग को सेकेंडरी क्यूरिकुलम 9th 10th पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के लिए भी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी दूसरे लैंग्वेज के सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स हम लोग का है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो मैथमेटिक्स और साइंस में कोई भी हम लोग का चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, सोशल साइंस में चैप्टर रिमूव हुआ है। तो आप सोशल साइंस का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस का भी कर सकते हैं और मैथ्स का भी कर सकते हैं। आप टॉपिक्स देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स मैथ्स में साइंस में पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे अगर सोशल साइंस का सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिंपली उस पर आप क्लिक कर लें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होना शुरू होकर ओपन भी हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो स्टार्टिंग में क्लास 9th का आप लोग को पहले सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्लास 9th का सिलेबस पहले दिया गया है। यहाँ पे आप देखें क्लास 9th के लिए ये सिलेबस है और नीचे जब आएंगे तो आपको क्लास 10th का भी सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 9th का प्रोजेक्ट वर्क है और इसके बाद यहाँ से क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया गया है। इसके बाद 10th का यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम देखें तो 10th का सिलेबस जो है वो आ जाता है। तो यहाँ से आप 10th के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1 है, इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया ये डायरेक्ट चैप्टर 4 है यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आप लोग को नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप बाकी के भी सिलेबस को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सिलेबस आप लोग को देखना हो, डाउनलोड करना हो तो नए सिलेबस को आप देख कर डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि CBSE के द्वारा ये साफ साफ बताया गया है कि क्वेश्चन एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।